लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज 3C, दैट इज डेसिमल. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज फाइंड द प्रोडक्ट. फर्स्ट पार्ट प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है 5.4 इंटू 16. राइट फ्रेंड्स? फ्रेंड्स देखिए, या तो आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा दीजिए, या आप पॉइंट हटाइए, उसको डिडक्ट करिए जितना इजी वे में हो सकता है और उसका आंसर लिख दीजिए, एनी मेथड. लेकिन नीचे अगर 10 की मल्टीपल्स में होगा तो हमें पॉइंट लगाने में इजीनेस होगी. तो मैं इसको, क्योंकि अगर मैं इसको पॉइंट हटा के नीचे 10 लगाती हूँ तो नीचे अगर इससे काटूंगी तो 5 बच जाएगा, फिर उसको डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैं डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ. तो दैट मीन्स 54 को बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई किया, 6 4 24, 6 5 30, 32, 4 5, तो ये आ गया 4 6 8, 864. एक के बाद पॉइंट था तो एक के बाद पॉइंट लगे, इधर से एक के बाद पॉइंट लगे, द आंसर. लेट्स डू सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट इज 3.65 इंटू 19. तो अब देखिए 365 को 19 से मल्टीप्लाई किया, 9 5 45, 9 6 54, 58, 9 3 27, 28 29, 30 31, 32, 5 6 3, ये आ गया 5. 8 5 13, कैरी 1, 8 9 6, दैट मीन्स ये आ गया 69 3 5. अब दो के बाद पॉइंट लगना था, यहाँ पॉइंट लग गया, इज द आंसर. लेट्स डू थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज 0.854 इंटू 12. 854 को 12 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 8, 4 5 10, 2 5 10, 2 6 8 16, 17, 4 5 8, तो ये आ गया 8 4 12, कैरी 1 10, तो ये आ गया 10248. अब कितने के बाद पॉइंट लगेगा? 3, इधर से 3 के बाद पॉइंट इज द आंसर. लेट्स डू फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट इज 36.73 इंटू 48. तो 3673 को 48 से मल्टीप्लाई, 8 3 24, 8 7 56, 57, 58, 8 6 48, 49 50, 51 52, 53, 8 3 24, 29, 4 3 12, carry 1, 28 29 2 24 25 26 2, 12 13 14, तो ये कितना आ गया 4 10 carry 1 13 carry 1 16 carry 1 7 1. तो आंसर इज 176304, और दो के बाद पॉइंट लग गया, इज द आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट इज 4.125 इंटू 86. तो ये कितना आया? 4125 इंटू 86, 6 5 30, 6 2 12, 13 14 15, 6 1 6 7, and 24, 8 5 44, 16 20 हो गया, 8 1 8 9 10, carry 1 8 32, and 33, ये आ गया 0 5 7 4 5 3, तो ये आ गया 3 5 4 7 5 0. कितने के बाद पॉइंट? 3 के बाद पॉइंट. लेट्स टू सिक्स्थ पार्ट. सिक्स्थ पार्ट इज 104.06 इंटू 75. तो 104.06 इंटू 75, 5 6 30, 5 4 20, 5 1 5, 7 6 42, 7 4 28, and 7 1 7. तो ये आ गया 0 5 4 10 carry 1 7 8 and 7.
दैट मीन्स 780450, और कितने के बाद पॉइंट, दो के बाद पॉइंट इज द, यहाँ पॉइंट है इज द आंसर. लेट्स टू सेवेंथ पार्ट. सेवेंथ पार्ट इज 6.032 इंटू 124. तो ये देखिए 6032 इंटू 124 निकालेंगे, 4 2 8, 4 3 12 एंड 4 6 24, 2 2 4, 2 3 6, 0 2 6 12 एंड 2 3 6, क्या आ गया 8 6, 8 9, 4 3 7, 4 7. तो ये आ गया 7 4 7 9 6 8. कितने के बाद पॉइंट लग गया, तीन के बाद, तीन के बाद पॉइंट इज द आंसर. लेट्स टू एट्थ पार्ट. एट्थ पार्ट इज 0.0146 इंटू 69. तो ये आया 146 इंटू 69. 9 6 54, 9 4 36, 37 38, 39 40 41, 9 1 9 and 13, 6 6 36, 6 4 24, 25 26, 27 28, 29 30 3, 6 1 6, 8 7 8 9. तो ये आ गया 4 7 3 and 10. तो ये आया 1 0 3, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ है, 6 6 36, 3 कैरी, 6 4 24, 27, 6 1 6, 7 8. तो ये आ गया 4 7 10, कैरी 1 9 10. तो ये आ गया 10074. पॉइंट आया 4 के पहले, दैट मीन्स 4 के पहले इज द आंसर. लेट्स डू नाइन्थ पार्ट. नाइन्थ पार्ट इज 0.00125 इंटू 327. तो हम कैसे करेंगे, 327 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 7 35, 3 5 2 10 एंड 13, 5 3 15 and 16, 2 7 14, 2 2 4 and 5, 2 3 6, 7 2 3. तो ये आ गया 7 2 3, ये आ गया 5 7, 13 and 5 is 18, carry 1 2 6 8 8 and 2 9 10, that means 4 0 8 4 0 8 7 5. कितने के पहले पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 के पहले पॉइंट लग गया इज द आंसर. थैंक यू. इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.